Hello students, assalamu alaikum, first year pre-engineering students. Chapter 2 complex number ke hawale se hamari discussion chal rahi hai. Chapter 2 complex number ke hawale se hum baatcheet kar rahe hain. क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई दैट. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया वेरीफाई दैट 9 सॉल्यूशन वी टेक लेफ्ट हैंड साइड. क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे -3 कॉमा -4 प्लस 2.5. ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे गए हैं और पिछली क्लासेस में फार्मूला ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से ऐड होते हैं. फर्स्ट में फर्स्ट वैल्यू को हम ऐड करते हैं और सेकंड में सेकंड को ऐड करते हैं. ये पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन का मेथड यही है. फर्स्ट में फर्स्ट को हम ऐड करेंगे कॉमा लगाकर सेकंड में सेकंड को ऐड करेंगे. तो -3, -2, -1 और 5 में से 4 को निकाल दिया तो 1. लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड में 2.5 प्लस -3, -4. फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे 2 में, लेकिन यहां पे चूंकि माइनस है तो डायरेक्ट माइनस लिखेंगे 5 -4. 2 -3 -1 और 5 -4 = 1. तो जो आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है वही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आ रहा है. तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आई होप कि तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया है. उमर अम्मार बाकर तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई है. पिछली क्लासेस में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो उन्हें किस तरह से ऐड करते हैं इसका मेथड हम समझ चुके हैं. हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. या तमाम स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट है तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट तमाम स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट है.
तमाम स्टूडेंट्स के पास क्या कंप्लीट हो चुका है? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2, 6 का सेकंड पार्ट, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है। मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -3, -4 इंटू 2 इंटू 5। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि अगर a कॉमा बी को मल्टीप्लाई किया जाए c कॉमा डी के साथ, तो फार्मूला है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये फार्मूला भी हम अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ए सी का मतलब यह है कि इस फर्स्ट ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, साइन नेगेटिव लगाएंगे, और बी को जो बाकी 2 रह गए उन्हें मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 4, 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 20, कॉमा लगाएंगे। अब ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे -15, साइन पॉजिटिव लगाएंगे और बाकी जो 2 रह गए उन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज -8, -6 +20 कॉमा -15 -8। 20 में से 6 को माइनस कर दिया 14, -15 और -8 -23, ये रिजल्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड को आप उससे जरा सॉल्व करें, मैं यहां पर देख रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 14 कॉमा -23 है, राइट हैंड साइड का आंसर
14 कॉमा माइनस 23 आना चाहिए ताकि आप लिख सके हैंस रूल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ और अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। वेरीफाई दैट क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में भी हमें वेरीफाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 3 कॉमा माइनस 4 और कर्ली ब्रैकेट में माइनस 2 कॉमा 4 प्लस माइनस 5 कॉमा 6 माइनस 3 कॉमा माइनस 4। पहले कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, माइनस 2 माइनस 5 के साथ माइनस 7 और 4 6 के साथ 10। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आप बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन का मेथड, फर्स्ट को माइनस 3 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें, 21 साइन पॉजिटिव नहीं साइन नेगेटिव फार्मूले का, बाकी जो दो रह गए उन्हें मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा माइनस 40 फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें साइन पॉजिटिव फार्मूले का और बाकी जो दो रह गए उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वेंटी एट माइनस और माइनस प्लस 40 प्लस 21 दैट इज 61 और 30 में से 28 को निकाल दें तो माइनस 2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड को आप इसी मेथड पर सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रैकेट पहले मल्टीप्लिकेशन, कर्ली ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन, कर्ली ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन और फिर इनकी एडिशन।
लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट हैंड साइड को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर भी यही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, और अब हम इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट लेफ्ट साइड को मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट हैंड साइड को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है 4 iota and minus 4 iota are the roots of this equation। मतलब यह है last slide आपके सामने है, लेकिन solution यहां पर अब नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट 4 आयोटा एंड माइनस 4 आयोटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा एक आंसर 4 आयोटा और एक आंसर माइनस 4 आयोटा आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, प्लस का 16 राइट साइड पे ले जाए तो माइनस 16। स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट लगाएंगे, जब रूट लगाते हैं तो राइट साइड पर दो साइन लगाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और हम ये बात पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं कि अगर रूट में किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम आयोटा अप्लाई करते हैं और फिर 16 का रूट 4 बन जाएगा। 4 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 4 आयोटा। तो x इज इक्वल टू 4 आयोटा एक आंसर और x इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा एक और आंसर। इस तरीके से
हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए, एक 4 आयोटा और एक माइनस 4 आयोटा, और यही वो रिजल्ट है जो हमें प्रूफ कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट किया, समान उष्मांश के पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट है। जब रूट में किसी भी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो बेटे नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए आयोटा लगाया जाता है। ये हमने चैप्टर 2 जब स्टार्ट किया था उसकी पहली क्लास में इन तमाम बातों को बहुत डिटेल समझा भी था, तो आप फिर से सुन लें कि अगर रूट में किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम आयोटा अप्लाई करते हैं। बाकर बेटे आपके लिए थे। रूट में किसी भी वैल्यू में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम आयोटा अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन में कहा गया कि 2,2 और 2,-2 इस आर दी रूट्स, रूट्स का मतलब आंसर, कि ये इनके आंसर्स हैं, रिजल्ट्स हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है। मैट्रिक क्लास में हम जानते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 8। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक फॉर्मूले का माइनस है और एक टर्म का माइनस है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, 2 इंटू ए दैट इज 1। Now is equal to minus minus plus plus minus root minus 4 का स्क्वायर 16 minus 32 divided by 2। Now 4 plus minus minus 16 divided by 2, root में वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो आयोटा लगाएंगे, 16 पॉजिटिव हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, और फिर 16 का रूट 4 है, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 2 4 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 2 प्लस माइनस 2 आयोटा
हमारा रिजल्ट है और ये हमें बताता है कि यहाँ पर x की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। 2 प्लस 2 आयोटा और x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस 2 आयोटा को हम 2,2 लिखते हैं और 2 माइनस 2 आयोटा को हम 2,-2 लिखते हैं। इस तरह से पहला आंसर और ये हमारे पास सेकंड आंसर और यही वो दो रिजल्ट्स हैं जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तमाम स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लें। तमाम स्टूडेंट्स इसे कंप्लीट कर लें। तमाम स्टूडेंट्स इसे कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वैद्य ने कहा कि वॉइस नहीं आ रही, क्या तमाम स्टूडेंट तक वॉइस नहीं आ रही या सिर्फ वैद्य को वॉइस नहीं पहुंच? वैद्य मुबशीर बाकर मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक? मुबशीर और बाकर क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? मुबशीर कहते हैं कि सर वॉइस स्लो है, स्लो तो नहीं होनी चाहिए। अब चेक करें, आपने कहा कि वॉइस लो आ रही है। अच्छा, वॉइस आपने कहा लो आ रही है, यहां से 100% वॉल्यूम ऑन है मेरे पास। आप देखें वॉइस क्लियर हुई है। अब वॉइस क्या क्लियर पहुंच रही है आप तक? क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट हमने कंप्लीट किया है। कुछ नहीं करना इसमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा है उसी को ही आपने अप्लाई करना है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 8। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखकर वैल्यूज को पुट किया, रूट में नेगेटिव साइन को खत्म करके आयोटा लगा दिया, 2 को 4, 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, एक दफा टर्म प्लस में, एक दफा टर्म माइनस में और फिर हमने इनके ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। क्या
तमाम स्टूडेंट तक वॉइस अब पहुंच रही है क्लियरली। मुबशिर, बाकर, उबैद, क्या वॉइस क्लियर है? ओके जी, आपने कहा वॉइस क्लियर है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं, क्या ये सबके पास कंप्लीट है? क्वेश्चन नंबर सिक्स का फिफ्थ पार्ट सबके पास कंप्लीट है? क्वेश्चन नंबर सिक्स का फिफ्थ पार्ट सबके पास कंप्लीट है? तो आगे क्वेश्चन नंबर नाइन, ये आपके लिए आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन में कहा गया शो दैट वन प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब यह है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए वन प्लस माइनस आयोटा। यानी यहां पर हमें आंसर दे दिए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर भी लगाएंगे, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू माइनस टू एंड c इज इक्वल टू टू। आपके पास ये आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, z की रिस्पेक्ट से लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन में z है, माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। तो यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर आप इनके आंसर खुद से फाइंड आउट करें और देखें क्या यही आंसर है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पर हमारा जो चैप्टर टू है ये कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर टू में 2.1, 2.2, 2.3 तीन एक्सरसाइज है, बट फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं है, वो डेफिनेशंस हैं जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर टू के हवाले से तमाम डेफिनेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का अहम तरीन क्वेश्चन है, जिसे बोर्ड में कई दफा पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इसमें टोटल चैप्टर हमारे पास 13 है, जिसमें से अब तक हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक में जब हमारी क्लास होगी तो हम उसमें एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर मुझे बताएं कि क्या आंसर 1 प्लस माइनस आयोटा आ रहा है। बाकर कहते हैं 2.3 में क्वेश्चन है, 2.3 में जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो आगे चलकर जब हमारी क्लासेस एंड हो जाई होंगी तो उसमें हम उनको डिस्कस कर लेंगे। मेन एक्सरसाइज चैप्टर 2 की 2.2 है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। 2.3 में क्वेश्चंस नहीं है, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको एक्सप्लेनेशन के लिए तौर पर लिखा गया है वहां पर। बाकी बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 2.3 या 2.1 का पार्ट नहीं है। बाकर बेटे, ओके, आपने कहा क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके पास कंप्लीट हो चुका है? इसी क्वेश्चन पर हम आज की क्लास को ऑफ भी करेंगे। आज हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नया चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे।
और इन पिछले चैप्टर्स के हवाले से कुछ क्यूरीज अगर कोई परेशानी हुई तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें और इसका आंसर आना चाहिए 1 ± i। और इसी क्वेश्चन पर हम आज की क्लास को ऑफ कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।